जनरल विपिन रावत ने बुधवार को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। विपिन रावत 31 दिसंबर को सेना प्रमुख के पद से रिटायर हो गए थे। कार्यभार ग्रहण करने से पहले रावत ने दिल्ली के वार मेमोरियल पर देश के शहीद जवानों को नमन किया। विपिन रावत के साथ नए सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और नौसेना प्रमुख कमरबीर सिंह ने भी देश के शहीद जवानों को नमन किया। इस अवसर पर सीरियस विपिन रावत ने कहा कि तीनों ही सेना मिलकर काम करेगी। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसके अनुसार मैं एकता और संसाधन के बेहतर उपयोग के लिए काम करूंगा। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगे राजनीतिक पक्षपात के आरोप पर कहा कि हम राजनीति से काफी दूर होते हैं, हमें सरकार के आदेश के अनुसार काम करने होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जितनी मुझे जानकारी हासिल हो पाई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो टास्क कटआउट है वो है तीनों सर्विस को एकजुट होकर सक्षम बनाना, और हम इसी तरफ कार्रवाई करते रहेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूंगा कि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ टीम वर्क करते हुए कार्रवाई करेंगे। सीडीएस जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा, लेकिन कार्रवाई जो होगी वो टीम वर्क के जरिए होगी। ऐसे नहीं होगा कि अपने निर्देश के हिसाब से सीडीएस किसी फोर्स को चलाना चाहेगा। उसको जैसे बताया गया है इंटीग्रेशन की जरूरत है, उससे हमें क्या क्या हासिल हो सकता है। सबसे पहले तो हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। तो यू हैव टू अचीव मोर थ्रू सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन। ये मकसद है जो सीडीएस को जिस तरह से टास्क दिया गया है। इसमें सर इसी में ऐड करते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ये कहते हैं कि सेना को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, तो आपका क्या क्या व्यू है इस पर? हम दूर रहते हैं, हम बहुत दूर रहते हैं पॉलिटिक्स से। आपके राजनीतिक झुकाव की बात की गई है विरोध करते हुए, आपके राजनीतिक झुकाव की बात की गई? ऐसा है, हम लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट इन पावर होती है उनके आदेशानुसार कार्रवाई करते हैं। थैंक यू। गौरतलब है कि हाल ही में सेना प्रमुख के पद पर रहते हुए जनरल विपिन ने एक इवेंट में कहा था कि नेता वे नहीं हैं जो गलत दिशा में लोगों का नेतृत्व करते हैं। जैसे कि हम लोग गवा रहे हैं कि बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों ने शहर और कस्बों में आगजनी और हिंसा करने के लिए जन और भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं, यह नेतृत्व नहीं है। जिसके बाद विपक्षी दलों की तरफ से उनके बयान पर जमकर आलोचना की गई थी।